कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओल्ड क्रेडिट। मैं हूं उत्कर्ष सक्सेना और आज हम बात करने वाले हैं दीपक प्रजापति जी से, जिनका कुम्हार का व्यवसाय है। चलिए उनसे बात करते हैं इसके बारे में। इंसान जो भी बुजुर्ग होता है आजकल इसी का घड़े का पानी पीता है कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। अगर लेकिन अगर उसने शुरू से यही पानी पिया होता तो कभी कोई बीमारी नहीं लगती। ये चाइनीज माल दीपावली वगैरह वगैरह भी यूज करते हैं आप लोग, दिए करें। तो दीपक जी, ये काम आप कब से कर रहे हैं और ये काम करते हुए कितने साल हो गए और यही काम क्यों कर रहे हैं आप? ये मेरे मतलब सभी लोग करते हुए आ रहे हैं, पूर्वज उर्वज जब से जन्म लिया है तब से इसी काम में हम लोग पड़े हुए हैं। कम से कम दुकान को तो 20 से या 25 साल हो चुके हैं। मेरे नाना बैठते थे यहाँ पे, मामा बैठते थे, मामा की जॉब लग गई है, मैं बैठ रहा हूँ। ऐसी क्या खासियत है आपके इस काम में कि इस काम को हर कोई नहीं कर सकता? ये काम आप नई उम्र से नहीं कर सकते, बचपन से जब तक करोगे तभी कर सकते हो, हर कोई नहीं कर सकता इस काम। इंटरेस्ट चाहिए होता है बिल्कुल, और मेहनत अलग है इसमें। छोटा ही आदमी कर सकता, बड़ा आदमी कभी नहीं कर सकता इसे। जो लैपटॉप वैपटॉप चलाते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानते हैं, प्लास्टिक की चीजें यूज करना अच्छा है सेहत के लिए या फिर ये घड़े और मिट्टी का सामान? एक चीज वैसे मैं आपको बता दूं कि मिट्टी तो हमेशा आपको पता ही है कि कितने फायदे रहे इसके। मिट्टी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जब भी आप पियोगे हमेशा फायदा ही देगा पानी। त्योहार के समय में और रोजमर्रा के समय में कितना फर्क आता है आपके काम में, कितनी बिक्री में कितना अंतर रहता है? त्योहार पर मतलब ये है कि जैसे कि सारे लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं हैं, हर कोई खरीदता है इस चीज को, इसलिए त्योहार पर ज्यादा रहती है। और रोजाने में ये है कि किसी किसी को कभी जरूरत पड़ी दिया जलाना है, कभी गमला लगाना है। हमारा 2-3 त्योहार आते हैं, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, और ये कई 2-3 त्योहार हैं जो आते हैं, बाकी बस ऐसे ही नॉर्मल चलता है हमेशा। इस व्यवसाय को शुरू करने में हमें कितनी धनराशि का जरूरत पड़ सकती है और आने वाले समय में ये कितना सक्षम है ये काम? हमें शुरू करने के लिए क्या है, सिर्फ मेहनत चाहिए, पैसे की जरूरत इसमें है नहीं ज्यादा, सिर्फ मेहनत इंसान को चाहिए है। पूरे दिन मेहनत करेगा तो सही रहेगा। हमारा काम ऐसा है जब तक पूरा परिवार नहीं लगेगा इसमें ये सफल ही नहीं हो सकता। जब से आपने होश संभाला है और आप इस काम को संभाल रहे हैं तब से अभी तक में कितना फर्क आ गया है इस काम में, मतलब आप कितने उतार चढ़ाव आपने देख लिए इस काम को लेकर के? उतार चढ़ाव वाली तो वैसे कोई आज तक कोई दिक्कत नहीं आई फिलहाल, अभी तक तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब से काफी फर्क आया है इस काम में। ये है कि पहले थोड़ा ज्यादा होता था, अब कम है, यूज थोड़ा कम है इसका, बस यही दिक्कत है। ऐसी कौन सी चीज है आपके काम में से जो कि कस्टमर को बहुत पसंद आती है और हमेशा डिमांड में रहती है? जी सिर्फ 2-3 चीजें हैं, जैसे दिए हो गए, घड़े हो गए, या फिर जैसे चिड़ियों को पानी डालने वाली चीजें हो गई, ये हमेशा ग्राहक को पसंद भी आती है, हमेशा फायदे में रहती है, उनके हमारे स्टॉक में भी रहती है और ज्यादा डिमांडेड भी है, सबसे ज्यादा डिमांडेड दिए हैं। इस समय जो इसमें कोरोना की वजह से जो हुआ है उसमें थोड़ा इस इंसान को, जैसे कि पहले लोग फ्रिज का पानी पीते थे, इस साल किसी ने फ्रिज का पानी नहीं पिया है, कम बहुत कम कर दिया, घड़ा उड़ा यूज करना है। जब मुसीबत आती तभी इंसान को उस चीज का पता लगता है। तो आपके हिसाब से किसी भी व्यवसाय को बड़ा बनाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वैसे सबसे पहली तो इंसान को अपने ऊपर मतलब विश्वास रखना चाहिए, प्लस मेहनत तो करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत करे कुछ होना नहीं है। और सबसे मेन बात है विश्वास रखना चाहिए कि हमने ये काम करा है तो इसमें अभी नहीं तो आगे चल के हम सफल होंगे, सफल जरूर होंगे, बस उस पर विश्वास और मेहनत, लगन, तीनों चीजें रखनी चाहिए। तो दीपक जी, आप दर्शकों से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने व्यवसाय को लेकर के? मैं सर यही अपील करना चाहूंगा कि जो ये माल है हमारा मिट्टी का है, इसमें थोड़ी सी हमारी मदद करें जैसे कि हम ऊपर पहुंच पाएं। ये चाइनीज माल दीपावली वगैरह वगैरह भी यूज करते हैं आप लोग, दिए करें, दियो में कोई नुकसान नहीं है, हमेशा आपको फायदा देगा, बिल्कुल संस्कृति होगी, हर एक चीज आएगी इसमें, वो आपका पूजा पाठ भी हो जाएगा। बस यही है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम भी कुछ कर सकेंगे इसमें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।